हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ NIT जालंधर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू IIT जैम, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जब मैंने अपना IIT जैम दिया था और मैंने भी NIT जालंधर के बारे में कुछ वीडियो सर्च करे थे, तो मुझे ऐसा कुछ खास डाटा नहीं मिला था देखने को। जब मैं वहाँ गई, एडमिशन लिया, तब जाके कुछ पता चलता है। इसलिए आज मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। मुझे MSc करते हुए वहाँ पर एक साल कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकेंड ईयर में एडमिशन ले चुकी हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मेरे जूनियर आने वाले हैं जो, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन से लेके प्लेसमेंट, कैसी फैकल्टी है, कैसा क्या डिपार्टमेंट है, कैसा हॉस्टल का चार्ज, क्या सब कुछ बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कॉलेज का कैंपस। तो कैंपस काफ़ी सुंदर है। कैंपस 150 एकड़ में फैला हुआ है, 150 एकड़ में फैला हुआ है। और डिपार्टमेंट भी काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी अच्छे पेड़, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है जालंधर के कॉलेज। तो कैंपस के बारे में इतना ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड प्रोसेस, एडमिशन के क्या प्रोसेस होती है। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले, अगर आप मास्टर्स MSc में किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको IIT जैम की कट ऑफ क्लियर करनी होगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होती है उनको क्लियर करना पड़ेगा और आपकी रैंक, कुछ ना कुछ रैंक आती है। देन आपको CCMN के थ्रू अप्लाई करना होता है। CCMN थ्रू NITs की काउंसलिंग कराती है, ओके, और जो सा काउंसलिंग IITs की काउंसलिंग कराती है, तो आपको CCMN के थ्रू NITs के लिए करना पड़ेगा अप्लाई। तो आपका अगर नाम NIT जालंधर के कॉलेज में आ जाता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो आपको NITJ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ पे PDF अपलोड किया हुआ था होता है कि किस ऑर्डर में कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किसके सिग्नेचर होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। आप कृपया करके बहुत अच्छे से उसको रीड करें, बिकॉज वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको एडमिशन के टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको PI रिपोर्टिंग का डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो आप उस टाइम जालंधर पहुँचेंगे और उस बिल्डिंग में, शायद IIT बिल्डिंग में रिपोर्टिंग होती है, तो IIT बिल्डिंग में आप पहुँचेंगे और वहाँ पर रिपोर्टिंग करवाएंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, देन आपका एडमिशन उसी टाइम हो जाता है। ओके, ये एडमिशन के प्रोसेस से कुछ टफ नहीं होती है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, बट कुछ टफ नहीं होती है। देन अब हम आते हैं इस पे, तो फीस, हाँ, जालंधर की फीस कुछ ज़्यादा भी नहीं है और ठीक है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकता है NIT से। अदरवाइज़ और NITs की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो NITJ की फ़ीस को हम देखें तो ऐसा होता है, इसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 33,000 पे करने होते हैं एज अ इंस्टीट्यूट फीस, और हॉस्टल का होता है 8,500। ठीक है, तो ये हॉस्टल इंस्टीट्यूट का हो गया है। और आपको फिर हॉस्टल की फ़ीस हो गई। अब हमें देना होती है मैथ्स की फ़ीस, तो मैथ्स की फ़ीस होती है अपनी वैसे तो 25,000, बट क्वेश्चन मनी भी लगती है स्टार्टिंग में, तो आपको हो गया है 10,000 क्वेश्चन मनी मिलती है, जो कि आपको कोर्स कम्प्लीट करने के बाद वापस दी जाती है। तो आपको 35,000 वहाँ पे करने होते हैं, तो टोटल फ़ीस हो जाती है आपकी 68,000 समथिंग, और शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। काउंट कर सकते हैं आप कि 33 आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पे करना है, 8,500 आपको हॉस्टल की पे करना है, और इसकी पे करना है आपको 35, जिसमें 25 ही आपके लगते हैं और 10,000 आपके वापस मिल जाते हैं। तो फीस का कुछ इशू नहीं होता है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा वैसे फीस ज़्यादा है मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग, मेरे लिए भी कुछ ज़्यादा थी, बट और अगर NIT से देखे जाए तो बहुत ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्लास फैकल्टी डिपार्टमेंट पे। तो देखिए, काफ़ी मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हैं, काफ़ी अच्छी फैकल्टी मिली है, बहुत कुछ सिखाते हैं। और जो आपको नहीं भी आता है तो आप पर्सनल उनसे जाके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना, तो काफ़ी हेल्पफुल है हमारी फैकल्टीज़। और अब हम चलते हैं प्लेसमेंट पर। ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है हमारा, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट ठीक था, मतलब दिखने में ठीक था, फैकल्टी अच्छी थी, सीनियर्स भी अच्छे हैं, तो डिपार्टमेंट ठीक है। बट एक नया डिपार्टमेंट ऑन बन रहा है मैथमेटिक्स का, तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा शायद। नेक्स्ट टाइम से मेरी भी क्लासेस वहीं लगेंगी, तो देखेंगे वो। अब आते हैं प्लेसमेंट पर, तो प्लेसमेंट का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। अगर बताऊँ तो हमारी जो सीनियर थे, हमारे सीनियर 32 सीनियर्स थे, जिन्होंने में से 16 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था प्लेसमेंट के लिए, और 14 का प्लेसमेंट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा रेशियो है, 16 ने अप्लाई किया, 14 का प्लेसमेंट हो चुका है, बाकी को प्लेसमेंट नहीं चाहिए थे क्योंकि उनका रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो उन्हें प्लेसमेंट नहीं चाहिए थे। तो काफ़ी अच्छा रेशियो है, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे लग जाते हैं।
पे बोले एनुअल पे हो जाता है, तो किसी का अगर टीचिंग फील्ड में लग जाता है तो 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख इस टाइप से जाता है। और जिसका अगर डाटा साइंस में लग जाता है, स्टेटिस्टिक वाली फील्ड में लग जाता है, देन उनका पे थोड़ा अच्छा होता है, लाइक 12,000, 13,000। हमारे एक सीनियर हैं, उनका डाटा साइंस के बेस पे लगा हुआ है, तो उनका काफ़ी 13 लाख का प्लेसमेंट लगा हुआ है, तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ये हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की बात हुई, तो हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं है गर्ल्स को। बॉयज़ को तो काफ़ी बॉयज़ हॉस्टल हैं, बट गर्ल्स के लिए इतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं था पहले, बट इस बार से बहुत अच्छा हॉस्टल बन चुका है, तो आप हॉस्टल में तो काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या था, मैंने देखा यूट्यूब पर कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं था जो कम्प्लीटली हमें NITJ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके, तो मैंने ये सब दिया। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के, वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरे फ्रेंड्स हैं फिजिक्स के भी हैं केमिस्ट्री के हैं, जहाँ मेरी रूममेट थी जो एक केमिस्ट्री की भी थी एक फिजिक्स की थी, तो मैं सारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स को जानती हूँ फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के। सो आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, कैसे टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट्स में, ओके। और अगर आपको सब्जेक्ट का भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बना दूंगी कि कितना क्या सिलेबस होता है, कौन सा सिलेबस नेट के अकॉर्डिंग होता है, गेट के अकॉर्डिंग होता है, या फिर कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ग्रेड्स होते हैं, क्या उनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।